कि बेटा यहाँ पर आपने एक डाउट पूछा है, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई 8,000 की राशि ब्याज को छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने पर एक निश्चित अवधि में 9,261 रुपए हो जाता है। इसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज दर से दोगुनी दर पर उतनी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए? तो यहाँ देखिए 10% जो ब्याज दर है अगर वो छमाही हो जाएगी, ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज दर है, ब्याज को छमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने पर निश्चित अवधि में 9,261 हो जाता है ना। तो छमाही में कितनी रह जाएगी, 5% रह जाएगी, 5%, ठीक है, आधी रह जाएगी बेटा, ये कितनी रह जाएगी, 5% रह जाएगी, 5% छमाही। तो अगर इसको 5% को आप फ्रैक्शन में बदल दो तो 1/20 होता है ना। और क्योंकि ब्याज दर इंक्रीज होगी तो इंक्रीज होने के बाद कितना आ जाएगा, 21/20 आ जाएगा। तो आप यहां कर सकते हो कि 8,000 का 21/20 कितने साल में हो रहा है, मान लो एन ईयर्स में हो रहा है, और कितना हो गया, 9,261 हो गया चक्रवृद्धि मिचल धन, ठीक है। तो इसको इधर लेकर जाओगे तो 21/20 की घात एन बराबर 9,261/8,000, ये 21/20 की घात 3 होता है। इसका मतलब एन का मान कितना आ जाएगा, एन बराबर यहां 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 छमाही में ऐसा हुआ यानी कि 1.5 साल में, समझे। अब आगे कह रहा है उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज दर से दोगुना दर पर यानी कि 20% कर दी जाए दर 10% की, उतनी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए? तब इसके लिए देखो फॉर्मूला से आप कर सकते हो, लेकिन क्या मैं आइडिया दूंगा कि 20% मतलब 1/5, 8,000 का 1/5 ब्याज कितना आएगा बेटा, 8,000 का 1/5 आएगा, करोगे आप तो 1600 है ना, और 1.5 वर्ष के लिए चाहिए तो 1600 तो ये हो गया 1 वर्ष के लिए। अभी अगला जो अगर सिंपल साधारण ब्याज करोगे तो 800 आएगा, ठीक है। अब इस 1600 पर क्योंकि वार्षिक है और आधे वर्ष का ब्याज लगना है आपको, है ना, कितना ब्याज लगना है, अब आधे वर्ष का ही ब्याज लगना है आगे, तो वो कितना रह जाएगा, 10% रह जाएगा। तो 1600 का 10% कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा, या ऐसे समझ लो 20% किसके लिए था, छमाही था, है ना, चक्रवर्ती ब्याज है तो इस पर भी ब्याज लगेगा। तो 1600 का 10% कितना आ जाएगा वो आपको करना है, तो वो कितना आएगा, 160 आएगा, क्योंकि 20% तो किसके लिए है, वार्षिक है, छमाही क्योंकि ये 6 महीने का रहेगा, 1.5 वर्ष का समय है ये, इसका मतलब है 1.5 वर्ष का समय है। तो 1.5 वर्ष के लिए अगर आप बात करेंगे एक मतलब पूरे वार्षिक की, क्योंकि 1.5 वर्ष है तो 1 वर्ष के लिए तो ब्याज हो जाएगा 20% से, 8,000 का 1/5 भाग 1600, और आधे वर्ष का 800, लेकिन क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो छमाही मतलब आधे वर्ष का ब्याज 1600 पे भी देना पड़ेगा, तो वो कितना है, 10% रह जाएगा आधे वर्ष का, है ना, तो वो 160 ये हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1600 और 800, 2400 और 160, 2560 रुपए आपका ब्याज आएगा चक्रवर्ती ब्याज इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो डी ऑप्शन ठीक ऑप्शन आएगा। आई होप बात समझ में आ गई है आपको। चलिए, थैंक यू वेरी मच।